बताओ, इतने दिन हो गए, अभी तक कोई स्वर्ग लोक में आया नहीं। स्वर्ग लोक में कोई कहाँ से आ जाएगा, स्वर्ग लोक लाए कोई रहा ही नहीं अब धरती पर। नहीं, हमें भी कुछ ऐसे लगता है, पता नहीं क्या चल रहा धरती पे, अभी तक इतने सालों से कोई स्वर्ग लोक में आया नहीं। धरती पे पापी अत्याचारी दुराचारी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब कोई नहीं आएगा स्वर्ग लोक में, अब ऐसे ही रहेगा स्वर्ग लोक खाली खाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती पे मृत्यु होना बंद हो गई लोगों की? नहीं यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है, जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अरे भैया, हो भी सकता है, क्या पता, धरती लोग के साइंटिस्ट अजीब अजीब तरह के खोज करने में लगे पड़े हैं, कहीं कोई चांद बना रहा है, कहीं कोई सूरज बना रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, फालतू काम करने में लगे पड़े हैं सारे के सारे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, धरती लोग पे मौत हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, पर यही है सारे के सारे पाप कर 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 जा रहे हैं नर्क लोग, इसलिए स्वर्ग लोग खाली खाली है। नहीं सही है, रील बनाओ पाप करो, रील बनाओ पाप करो, पाप करते करते बाल उड़ जाए तो विग बनाओ। तुम लोग कहना क्या चाहते हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? यही कि धरती लोक पे पाप बढ़ रहा है, इसलिए कोई स्वर्ग लोक में नहीं आ रहा है। हाँ तो वो तो है, तो तुम भी तो धरती लोक से हो, तुम कौन से पता लोक से हो, तुमने भी पाप किया होगा धरती लोक पे, तो फिर कैसे आ गए स्वर्ग लोक में तुम? हमसे ज्यादा इधर देखो, इधर हम सही बता रहे हैं, हमसे ज्यादा यहाँ पे जितने लोग बैठे ना, किसी ने पुण्य नहीं किया होगा जितना हम पुण्य करके आए। महाराज से भी ज्यादा। अरे रहन दो तुम, बस महाराज ने क्या पुण्य किया होगा, पुण्य तो किए थे हम, महाराज तो हमको बनना चाहिए था स्वर्ग लोक का। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर क्या पुण्य करके आ तुम धरती लोक पे, नहीं नहीं क्या पुण्य करके आ हमसे बड़ा। रहन दो बस, अब तुम ना पूछो, बस रहन दो ना पूछो। बता रहे नहीं बता रहे तुम, हमने एक बार एक भिखारी को कटोरा खरीद के दिया था भीख मांगने के लिए, और बताओ इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। क्या दिया था? कटोरा खरीद के दिया था भीख मांगने के लिए। तो तुमने कटोरा दे दिया तो तुम बहुत बड़े दानी हो गए। और नहीं तो क्या। सही है, स्टार्टअप इन्होंने करवा दिया, बिजनेस संभालना उसका काम है। पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, जब उसके पास कटोरा नहीं था तो तुमको कैसे पता चला कि वो भिखारी है? क्या है कि उसकी शक्ल तुमसे मिलती थी, फालतू की बात कर रहे। देखो चाहे कोई कुछ भी कहे, पर सच तो ये है कि धरती पर सबसे ज्यादा पुण्य हम करके हैं, और स्वर्ग लोक का राजा तो हम ही बनेंगे। जिसको जो कहना है वो कहो, पर देखो धरती पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा पुण्य किया है तो वो हमें और कोई नहीं है। तुम लोगों ने पुण्य किया हम मानते हैं, पर सबसे ज्यादा पुण्य हमने किया ये भी हम मानते हैं। कहो दादा कहो, तुम भी कुछ कहो, तुम कहे शांत बैठो, कहो कुछ। हमें कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमने कोई पुण्य नहीं किया, और हमने किया धरती पे पाप और गलती से आ गए इधर। मतलब दो लोगों के लिए राजा बनना, उसमें भी कोई बात नहीं मानेगा, क्या फायदा भैया, हमें नहीं बनना राजा वजा। राजा नहीं बनना वो तो ठीक बात है, पर तुमने भी कहा कि हम पाप करके हैं, पाप करके कैसे आ गए तुम स्वर्ग लोक में? हमारा कॉन्टैक्ट था। कॉन्टैक्ट था, पर यहाँ तो फोन ही नहीं चलता, किसका कॉन्टैक्ट था तुम्हारे पास? हमारे पास इनका, ये हमारा फोन चुरा लिए थे, हम लोकेशन ट्रैक करते करते आ गए यहाँ पे। अरे चुप रहो। ये भी करिए, इधर देखना, ये तुम्हारा पुण्य, नहीं नहीं ये क्या तुम्हारा पुण्य है? ऐसा कुछ नहीं है, धरती पे हमने सारी उम्र पुण्य किया, बस ये टपकने से 10 मिनट पहले इनका फोन अच्छा था, हमसे देखा नहीं गया, तो हमने सोचा ले चलते हैं इसको स्वर्ग लोक। तो तुम लीक रह गए स्वर्ग लोक। हाँ भैया, हमको स्वर्ग लोक जाना था, किधर से जाएं? ये क्या तुमको नर्क लोक दिखाई दे रहा है, ये तो स्वर्ग लोक, क्या हम स्वर्ग लोक आ चुके? अरे हाँ भैया, बिल्कुल चिल्ला कह रहे हो, ये पर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कहाँ है स्वर्ग लोक? जो कुछ पूछो ना यहाँ पे आके पूछो महाराज से। कहाँ पे महाराज, कौन है महाराज, हमें दिखाई नहीं दे रहे? सामने बैठे इतने बड़े कुर्सी पे महाराज दिखाई नहीं दे रहे तुमको? ओ ये है महाराज, हम जान रहे थे पुतला है, महाराज बोलते भी है क्या? कहाँ से आया?
हम अपने घर से और कहाँ से? भाई यार तुम मतलब ये बताओ कि अपने घर से कहाँ से आए तुम? घर से कहाँ से आते हैं? घर से मतलब घर से आए? तो देखो इनकी कमी थी, अब आएगा स्वर्ग लोक में मजा। देखो हमारा दिमाग पहले से खराब है, तुमसे जो पूछा जाए उसी का जवाब दो, फालतू बकवास ना करो। ठीक भैया ठीक, पूछो 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 पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े लिखे पूछो। तो बताओ कि तुमने धरती पर सबसे बड़ा पुण्य क्या किया? हम धरती पर सबसे बड़ा पुण्य क्या किए थे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ तो किए थे ऐसा। तुम सब छोड़ो, कुर्सी खाली करो हमारे लिए। पगला था क्या धरती लोक पे? नहीं तो क्या हो गया? क्या नहीं हो गया, यहाँ पे जब तक पुण्य नहीं गिनवा दोगे यहाँ पे खड़ा होने की अनुमति नहीं है, मार के भेज दिए जाओगे नर्क लोग। इधर आओ, हमारा टेंशन लागो था कि आयल हमें ओना से हम निकाल से। अरे छोड़ो से जा तक के नाउ चाहे लोकस, हम नहीं क्या का करे के बैठे चुपचाप। यार हमने क्या पुण्य किया था, क्या पुण्य किया था, और नहीं बताएंगे तो क्या होगा? बताए तो अभी लात मार के भेज दिए जाओगे नर्क लोग। देखो यार ये तो सीधी सीधी बात है, अब स्वर्ग लोग आए तो कुछ ना कुछ पुण्य करके आए होंगे, ऐसा तो है नहीं किसी की मुर्गी चोर लाए इधर, तो अलग बात है कि हमको ध्यान नहीं है। अबे यार सही से बताना है तो बताओ, नहीं तो जाओगे अब तुम नर्क लोग। यार तुम सबसे पहले हमें ये बताओ मतलब क्या पुण्य, किस तरीके का पुण्य? पुण्य मतलब ऐसे जैसे तुमने कभी पेड़ पौधे लगा हो, या फिर किसी की जान बचाया हो, या फिर किसी बुरे आदमी को अच्छा बोला हो, ऐसा पुण्य। हम समझ नहीं पा रहे मतलब क्या कहना चाहते हो तुम। अबे यार हम नहीं समझा पाएंगे, सही है स्वर्ग लोग खाली खाली है, धरती पे आजकल गड्ढे लोग रह रहे। अब नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कहें बताओ, झूठ बोल दे। नहीं नहीं कहो तो झूठ बोल दे हम। तुम सब छोड़ो ये बताओ कौन से स्कूल में पढ़े तुम? ये पढ़े लिखे नहीं है, दिख नहीं रहा है इनके शक्ल पे लिखा अनपढ़। अनपढ़ किसको कह रहा है, अभी बैठे बैठे तुम्हारे पूरे खानदान को पढ़ा देंगे हम यहीं पे। तुम उनको छोड़ो, पहले ये बताओ हमने क्या पूछा तुमसे, स्कूल का नाम पूछा था ना? हमारे स्कूल का नाम है स्वर्ग, स्वर्ग है हमारे स्कूल का नाम। क्या सुगर, सुगर है तुम्हारे स्कूल का नाम? सुगर नहीं स्वर्ग, पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे स्वर्ग लोक में, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें स्वर्ग लोक में रहना तो चुपचाप अपना पुण्य गिनवा दो, और नहीं तो इधर से रास्ता नाप लो। ठीक है तो यार सुनो, वैसे ज़्यादा तो हमने पुण्य किया नहीं, पर वही जो थोड़ा बहुत किए बताते हैं तुमको। हमने एक बार एक मछली को पानी में से निकाल के दोबारा पानी में डाल दिया था, उसको एक नया जीवन मिला था, एक पुण्य। मैं पुण्य कहाँ, तुमने मछली को तंग किया ये तो पाप हो गया ना। पाप हो गया या बाप हो गया उससे मैं कोई मतलब नहीं है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। हाँ जुड़वाओ तुम, जुड़वाओ हम जोड़ रहे हैं। हमने एक बार एक गधे को लोमड़ी कह दिया था, दूसरा पुण्य। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा ना, हमने देखा, तीसरा पुण्य। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, हमने एक धोबी के कुत्ते को अपने घर पे रख लिया, चौथा पुण्य। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, राजा भोज कहाँ पे ये तो हमको पता नहीं, पर गंगू तेली को हमने अपने घर पे रखा है, पांचवा पुण्य। मेहनत का फल मीठा होता पर हमने एक बार खट्टा कर दिया था इमली डाल के, छठा पुण्य। अरे भागो, ये रहा तुम्हारा सातवा पुण्य। मम्मी यार हम दोबारा पृथ्वी लोग, यहाँ पे मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।